अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। और आप लोग चूँकि मैं अभी ये ईद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो उम्मीद है आप लोग की ईद अच्छी गुजर रही होगी। और ये बेसिकली चांद रात की कुछ क्लिप्स हैं। ये तो अभी दोपहर है क्योंकि बारिश हो रही थी कराची में, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मैं आपको दिखाना चाह रही थी। और हमने बारिश में पकौड़े ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोग बताएं। आप लोग बारिश में पकौड़े किस कौन से खाते हैं? ये मैंने आलू के पकौड़े और जो पकौड़े सिंपल जो थे वो वाले। अच्छा, तो मैंने कहा कि कल ईद है, क्योंकि ना थोड़ा सा फेशियल कर लिया जाए। सो सबसे पहले मैं अपना यूज़ करने वाली हूँ फेस वॉश, उसके बाद मैं ये सही तरीके का कुकम्बर मास्क और एवेलिन फेस मैट। कुकम्बर फेस मास्क बस ऑर्डनरी सा है, इतना ख़ास नहीं है, लेकिन जो एवेलिन कॉस्मेटिक का जो फेस मास्क है इट्स रियली गुड। और ये मैं आपको उसका टेक्स्ट दिखा रही हूँ। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग फेशियल कहाँ करते हैं, घर पे करते हैं या फिर पार्लर से करवाते हैं? अच्छा जी, तो बेसिकली चांद रात थी तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि क्यों ना पिज्ज़ा बनाया जाए, कुछ चांद रात को एंजॉय किया जाए। तो यहाँ पे मैं पिज्ज़ा बना रही हूँ, और पिज्ज़ा जो है वो बेसिकली ग्रीन स्पाइसी वाइट सॉस, आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल इट, बट इट्स वाइट सॉस सॉर्ट ऑफ अ पिज्ज़ा। और ये हमारे घर में बहुत शौक से खाया जाता है। सो सबसे पहले इसमें मैं आप इसमें अपनी मर्ज़ी की वेजीज़ भी ले सकते हो। मैंने इसमें प्याज लिए, टमाटर लिए, शिमला मिर्च लिए और हरी मिर्च लिए। आप इसमें ऑलिव्स भी ले सकते हो और मशरूम्स भी ले सकते हो। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे चिकन लिया है। चिकन में मैंने बेसिकली ग्रीन चिलीज़ लहसुन और अदरक थोड़ा सा लेना है बस। इसको मैंने कूट के और इसमें चिकन में डाल दिया है। और इसमें मैंने डाला है ब्लैक पेपर और सोया सॉस। फिर ये मैं बना रही हूँ बेसिकली बेस के ऊपर मैंने, अच्छा मैं जो है बेसिकली थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बस प्रेफर करती हूँ। आप लोगों की मर्ज़ी, आप इसको थिक क्रस्ट भी बना सकते हो। मैंने इसको थिन क्रस्ट बनाया है। मैंने इसमें मेयोनीज और क्रीम को इक्वल अमाउंट में मिलाकर और इसको मैंने ये लगा दी। अब मैं चिकन जो बन गई थी उसमें फिर मैंने क्रीम ऐड कर दी थी। अब चिकन को इवनली स्प्रेड करके, आई लाइक कि चिकन थोड़ा सा ज़्यादा हो, क्योंकि हमारे घर में पिज़्ज़ा अगर खा रहे हो तो इस तरह का खाओ। और ये शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज को डाल के, और फिर इसके ऊपर चीज़, अच्छी सी चीज़ डाल के, और फिर इसको बेक कर लें 20 to 30 मिनट तक। और ये थिन क्रस्ट है तो जल्दी हो जाएगा, और इट डिपेंड कि आप ओवन के नीचे रखते हो या फिर इट डिपेंड बेसिकली। अच्छा, ये मैंने रेड सॉस पिज्ज़ा बनाया था और दोनों ही बहुत मज़े के बने थे, लेकिन आई पर्सनली लाइक द वाइट वन, मुझे जो है वो ज़्यादा वाइट बहुत अच्छा लगता है। और मैंने इसके एजेस को फोल्ड कर लिया था ताकि थोड़ा सा और लुक आ जाए। आप लोग मुझे बताएं आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी, शॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे बताइए कमेंट में कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर देखनी है। एंड ईद ब्लॉग्स करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।